खरगोन जिले में पोस्ट ऑफिस की जमा स्कीम के अंतर्गत एक एजेंट ने लोगों करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया है और वो फरार हो गया है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब एजेंट ने लोगों से किस्त लेना बंद कर दी और वो फरार हो गया। इस दौरान शिवशंकर चौधरी ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और मामले का खुलासा किया। इस दौरान पीड़ित हितग्राही ने बताया कि 100 से अधिक लोगों की करोड़ों रुपए की राशि लेकर एजेंट चंपत हो गया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने मामले की पड़ताल करके उचित कार्यवाही करने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, करीब 5-6 दिन पहले एक दुलसदगी थाना कोतवाली में दर्ज की गई थी। जगदीश पाल थे जो दुलसदगी पोस्ट ऑफिस में एजेंट थे, लोगों के पैसे लेते थे और उनके पैसों को जमा करके उनको रसीद और पावती देना चाहिए और उनकी जो पासबुक रहती है उसमें एंट्री कराना चाहिए। तो जब वो मिस हो गए और उनकी जांच पड़ताल हुई तो ये पता पड़ा कि वो कई सारे लोगों के पैसे उन्होंने जमा नहीं किए थे। और मोहन चांदोरे एक एजेंट हैं यहाँ पास पोस्ट ऑफिस के ही, उनके साथ वो काम किया करते थे। जब और इसमें जांच पड़ताल की गई तो पता पड़ रहा है कि वो अपने फ़ोन बंद करके और यहाँ से शायद MP छोड़ दिया है, महाराष्ट्र में कहीं हैं वो। उसके बाद उनकी कोई पता चल नहीं पाया कि वो कहाँ है और काफ़ी सारी राशि भी गबन है और दस्तावेज भी ऐसे लग रहे हैं जो कि फर्जी तरीके से पोस्ट ऑफिस के बनाए गए हैं। तो ये पूरा मामला है, इसकी जाँच चल रही है। तो इसमें संबंधित जितने लोग हैं जो इसमें आरोपी होंगे या जिन्होंने बदमाशियां की होंगी उन पर कार्रवाई की जा रही है। कितने करोड़ की राशि? ये हमारे पोस्ट ऑफिस में 2012 से जो पैसे थे वो इन्होंने क्या करा कि मैं सर पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गए, इसको पलटाना है उस हिसाब से मेरे पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गए, उसके बाद तक आए पे और लगभग 2012 से उनके पास कोई हिसाब नहीं इस चीज़ का। मैंने मोहन चांदोरे से भी बात करी जो उनका स्टेट है तो वो भी बोलता कि मेरे को नहीं मालूम। तो ये क्यों बात हुई किया कि हमको नहीं मालूम? अरे भैया तुमने नज़र रखोगे तो क्या हमको बोलता है वो कि तुम नज़र रखो। कितनी राशि होगी? हमारी 11.5 लाख के करीब है प्लस उसका ब्याज है। कब से जमा कर रहे थे आप? ये हमारे तो 2006 से है, उसके बाद में फिर वो पलटाए तो पलटाने के नाम से हमारे से पूरा डॉक्यूमेंट्स ले गया वो, उसके बाद तक आया फिर। इसमें और भी लोग FIR डाल दिए? अच्छा, इसमें और भी लोग हैं? बहुत से कम 15-20 लोग अभी तक, कम से कम 15-20 आए हैं और अभी आना बाकी है। मतलब कितने रुपये ले गए ये? ये लगभग तो 3-3.5 से 4 करोड़ के बीच का मामला है। आपने इसकी शिकायत की है? हाँ, FIR दर्ज करवा दी हमने। क्या नाम लिखते? शिवशंकर चौधरी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।